subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस इंक्रेडिबल सुमन के चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इसी टीवी से राइडर के टैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि जो ये टीवीएस राइडर की जो बाइक है, इसका जो टैंक है वो फाइबर की है, प्लास्टिक बॉडी की है। तो क्या ये सच में प्लास्टिक बॉडी की है, उसका मैं आपको फुल लाइव प्रीव्यू आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं अपना यूएसबी किट, जो मोबाइल चार्जर्स किट है, उसको लगाने के लिए जब मैं सर्विस सेंटर पहुंचा, तो वहां पर जब ये फर्स्ट जो ऊपर में आप बॉडी देख रहे हैं, ये एक फाइबर की बॉडी है, लेकिन जो टैंक है वो मेटल की टैंक है। ऊपर में फाइबर की बॉडी दी गई है। जब ये फाइबर की बॉडी हम निकाल रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ब्लैक रंग का काफ़ी मजबूत ये मेटल की बॉडी दी गई है, जिसमें पेट्रोल रहता है। ऊपर में ये जो फाइबर की कवर दी गई है, वो एक लुक के लिए दी गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका पेट्रोल रहता है। तो ये गलत फहमी पे मत रहिएगा कि टीवीएस राइडर ने कम प्राइस में जो इतने सारे फीचर्स दिए, इसलिए उन्होंने अपनी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी की है। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जस्ट ऊपर का एक कवर है जो आपकी गाड़ी को बेहतरीन लुक बनाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में ये क्लियर समझ में आया होगा कि टीवीएस राइडर की जो टैंक है, ऊपर में जो डिज़ाइन के लिए वो फाइबर है, जो अच्छी क्वालिटी की फाइबर की बॉडी दी गई है, लेकिन अंदर में जो है वो एक मेटल की टैंक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि टीवीएस राइडर की जो टैंक है वो फाइबर की है कि मेटल की है। अगर वीडियो को समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहे, बाय बाय।